नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मामला कोतवाली गरौठा की ग्राम जलालपुरा का है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। ग्राम जलालपुरा निवासी धर्मपाल ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गरौठा को 8 नामजद व 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि गुरुवार की सुबह जब वह अपने घर पर था, तभी चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही दबंग व्यक्ति कमौत सिंह सहित कुल 10 लोगों ने एक राय होकर उसके घर में घुसकर फरसा व लाठी कुल्हाड़ी से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। मौके पर मौजूद हरसराय व धर्मेंद्र ने जब उन्हें बचाया तो उक्त आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में पुलिस से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरौठा भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। यही श्याम सिंह के लड़के ने, अजीत सिंह ने, तो हमको मालूम चला। हमने घर वालों को भी बताया कि भैया और वे सब लोग मतलब अगर हम रात में अकेले जा तो अगर कोई घटना हो जाए तो इनके जिम्मेवार वही है। फिर अचानक में आज सुबह हम बैठे थे, तब ये रोड से बाइक से देख के आए हमें कि ये खेत पे है। जब हम खेत से आए तो ये बाइक लाइन बीच रोड पे खड़े थे। जैसे ही हम घर पे आए, ये सभी लोग अपनी गाड़ियों से आए, डंडे कुल्हाड़ी लेके हमला करने लगे। कौन कौन? श्याम सिंह धन सिंह, महनपाल धन सिंह, कम्बो सिंह धन सिंह, ज्ञान सिंह महनपाल सिंह, आकाश ज्ञान सिंह, धर्मेंद्र ज्ञान सिंह, अजीत ज्ञान सिंह, प्रताप सिंह ज्ञान सिंह। तो क्या इनसे कोई पुरानी रंजिश थी? चुनाव के चलते। तो अभी आप अपने कोतवाली गरौठा गए हैं, हम क्या काम करें? जी, प्रार्थना पत्र देते आया, उन्होंने हमको स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। अब यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र वालों ने हमको यहाँ से भी बताया। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? वो तो अब अधिकारी लोग हैं, हम तो उनके आगे नहीं है जो उनको हमारी समझ में आए। तो क्या दमंग किस्म के लोग? हाँ, वो दमंग है सर, और सीसीटीवी भी है। तो यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।